This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purposes. Hello everyone, welcome back to Gateway Solutions. कैसे हैं आप लोग? Friends, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि EDU मेल कैसे क्रिएट की जाती है। तो इसके लिए आज मैं आपके लिए एक नया मेथड लेके आया हूँ, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में कुछ मेरे व्यूवर्स के मैसेज आ रहे थे कि जो पुराना मेथड है वो काम नहीं कर रहा है। तो आप पूरा वीडियो देखें, और अगर आपने कोई भी स्टेप मिस किया तो हो सकता है आप लोग EDU मेल ना क्रिएट कर पाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने ब्रेव ब्राउजर को ओपन कर लेना है। अगर आपको ब्रेव ब्राउजर डाउनलोड नहीं करना आता, इंस्टॉल नहीं करना आता है, तो आप कमेंट करें, मैं इसके लिए आपको अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। और यहाँ पर हमने यूज करना है VPN, और जो हमारी लोकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए US, ठीक है। और अगर आपको ये भी VPN नहीं पता है कैसे होता है क्या, तो इसके लिए भी आप कमेंट करें, इसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। बाकी मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में VPN के बारे में बहुत अच्छी तरह डिटेल से बताया हुआ। ओके, तो सबसे पहले हमने ब्राउजर को ओपन कर लेना है, और इसके बाद यहाँ पर हम लोग ओपन करेंगे गूगल। गूगल के अंदर आपने सर्च करना है liberty.edu, और ये जो आपको फर्स्ट लिंक शो रहा है इसे आपने ओपन कर लेना। और यहाँ पर जो जो वेबसाइट्स, जो जो लिंक्स हम यूज करेंगे वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और साथ में ब्लॉग पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसे यूज कर सकते हो। ओके, तो हमने यहाँ पर इस फर्स्ट वेबसाइट को लिंक को ओपन कर लेना है। ओके, तो ये हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। सेकेंड, हमने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहां से हम एड्रेस वगैरह चूज करेंगे। तो ये देखिए, ये हमें एड्रेसेस शो हो रहा है, पूरी डिटेल आ रही है, इसे हमने यूज करना है, इसी वजह से हमने इसे ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लेंगे। बाकी ये टॉप में भी शो हो रहा है, आपको जहां से भी बढ़िया लगे आप इसे अप्लाई कर लीजिए, ठीक। तो हमने फर्स्ट स्टेप रहेगा अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप वेट कर लीजिए, क्योंकि वेबसाइट को लोड होने में 20-25 सेकंड लग जाते हैं। ओके, यहाँ पर आपने ऑनलाइन पर क्लिक कर लेना है। फिर हमने यहाँ पर क्लिक करना है सर्टिफिकेट पर, और फिर हमने सर्च के अंदर यहाँ पर सर्च कर लेना है डाटा। और ये जो फर्स्ट ऑप्शन शो हो रहा है डाटा नेटवर्किंग, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम लोग चूज करेंगे हाई स्कूल, और इसके बाद आपने यहां पर टाइप कर लेना है GED स्पेस ऑफ। तो आपको यहां पर बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे, आप इनमें से किसी को भी चूज कर लीजिए, यानी आप किसी भी को भी चूज कर लीजिए। ओके, तो फॉर एग्जांपल हमने टेक्सास चूज कर लिया। फिर आपने यहां पर डेट और ईयर सेलेक्ट करना है। तो अभी दिसंबर चल रहा है, हम लोग अक्टूबर चूज कर लेते हैं, और जब आप वीडियो देखेंगे तो उससे आप 2-3 महीने का डिफरेंस रखिए और उसे चूज कर लीजिए, ठीक। फिर हमने फर्स्ट नेम ऑफ ऑन डिप्लोमा और लास्ट नेम ऑफ ऑन डिप्लोमा देना है। तो यहां पर जो ये लास्ट नेम रहेगा हमारा ये, और फर्स्ट नेम हमारा ये रहेगा। ओके, इन्हें यहां से कॉपी कीजिए और यहां पर पेस्ट कर लीजिए 1x1 दोनों को, ठीक है। ओके, फिर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, और हमें जो फर्स्ट ऑप्शन शो हो रहा है कि डू यू सर्टिफाई दैट ए स्टैंडर्ड और एडवांस हाई स्कूल डिप्लोमा, यहां पर आपने यस कर लेना है। और जो ये सेकंड ऑप्शन है GPA वाला, यहां पर आपने नो कर देना है। और उसके बाद आपने जो ये ड्यूल एनरोलमेंट पूछ रहा है, इसमें भी आपने नो चूज कर लेना है। फिर हम फिर से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर आ जाती है पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में हमने मेल डालनी है, तो हम यहां पर यूज कर लेंगे इस वेबसाइट को, और इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। ओके, ओके, जब ये लोड हो जाए यहां पर आप क्लिक करके इसे कॉपी कीजिए और यहां पर पेस्ट कर दीजिए। और इन सारी इंफॉर्मेशन को हमने सेव रख लेना है, ताकि जब बाद में आपको इनकी जरूरत पड़े तो आपके पास ये होनी चाहिए। तो फोन नंबर हम यहां से ले लेंगे, और फिर हम यहाँ पर टेलीफोन के अंदर डाल देंगे। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इसने डिटेक्ट कर लिया है, ठीक है।
अब हम यहाँ से चेंजेस और कोई नहीं करेंगे और नीचे स्क्रोल करेंगे और यहाँ पर आप थर्ड सिलेक्ट कर लीजिए। और आपसे पूछ रहा है कि आपने नेम तो नहीं चेंज किया प्रीवियस डिग्री में, आपने यहाँ पर नो रख लेना है ओके। और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप करंटली कहां पर रह रहे हो, रिजाइड कर रहे हो यूएसए में, तो आपने यस कर देना। फिर आ जाती है स्ट्रीट लोकेशन। स्ट्रीट लोकेशन के लिए हम यहां से अपनी इस स्ट्रीट एड्रेस को कॉपी करेंगे और यहां पर पेस्ट कर देंगे। और जो भी आपको एड्रेस यहां पर अवेलेबल होते हैं, मैं इसे थोड़ा बैक करता हूं, देखिए ये शो हो रहे हैं, तो आप इनमें से किसी को भी चूज कर लीजिए, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। अब हम अपनी इस सारी इंफॉर्मेशन को नोटपैड में सेव कर लेते हैं क्योंकि आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद यहां से हम लोग स्ट्रीट एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं और यहां पर पेस्ट कर देते हैं। फिर हम किसी तरह से सिटी और फिर पिन कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कंट्री आपका यूनाइटेड स्टेट्स ही रहेगा, ठीक है। और जो हमने ईमेल आईडी यूज की थी उसे भी हम कॉपी कर लेते हैं। आगे हम डेट ऑफ बर्थ यूज करेंगे, वो हम यही वाला यूज करेंगे, तो इसलिए इसे यहां से कॉपी करके रख लेते हैं, ठीक। और एक आपने अपने नेम को सेव कर लेना है, तो इन सारी इंफॉर्मेशन को आप अपने पास सेव कर लीजिए ताकि आगे जाकर आपको इश्यू ना आए, ठीक है। तो ये हमारा एड्रेस वाला काम हो गया। अब हम यहाँ पर जेंडर मेल कर लेंगे और डेट ऑफ बर्थ के लिए हम लोग यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो ये है हमारा 9th month 21 जो है हमारा डेट है, और सितंबर 9th month है, और 1998 हमारे डेट है ओके। इसे हम लोग यहाँ से चूज कर लेंगे, तो सितंबर 21 1998, ठीक है। रेस में हम लोग यहाँ पर व्हाइट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यूएस सिटीजन के बारे में पूछ रहा है, आपने यस कर लेना है, और फेडरल जो असिस्टेंट है उसके बारे में पूछ रहा है, आपने नो कर देना है। फिर हमने यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी नंबर डालना है, तो ये भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे अपनी वेबसाइट से और इसे नोटपैड में भी पेस्ट करके रख लेंगे और यहाँ हमारी वेबसाइट में भी डाल देंगे ओके। फिर हम नीचे स्क्रोल डाउन करेंगे और उसके बाद ये जो ऑप्शन है यूएस आर्मी में वाला, इसको आपने नो रखना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहां पर आपने ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं करना है और ये भी आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने यहां इसे टिक मार्क कर लेना, आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड ओके। उसके बाद आपने एग्री के लिए पूछ रहा है कि टर्म्स एंड कंडीशन के लिए, और कॉल और टेक्स्ट मैसेज के लिए इसे आप यस कीजिए, और उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना ओके। यहां पर थोड़ा टाइम लग जाता है और आपने वेट करना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना, ठीक। फिर जब नेक्स्ट स्क्रीन आएगी आपने यहां पर क्लिक करना है क्लेम योर अकाउंट पर ओके। तो ये आईडी के लिए बोल रहा है, आईडी हमें यहां पर ये मिल चुकी है, मैं इसे भी कॉपी करके नोटपैड में सेव कर लेता हूं। हम इस आईडी को यहां से कॉपी करेंगे और यहां पर पेस्ट कर देंगे। फिर इसी तरह से आपने लास्ट नेम को कॉपी पेस्ट कर लेना है। फिर हमारी डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है, इसे भी जो हमने वहां पर फिल की थी वो हम सेम यहां पर डाल देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहां पर जो हमारा सोशल सिक्योरिटी नंबर है वो डालेंगे, और फिर आपने यहां पर जिप कोड डाल देना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैच होनी चाहिए जो आपने फॉर्म फिल करने के समय डाली थी, ठीक। फिर हम इसे टिक मार्क कर लेंगे, आई हैव रीड द यूनिवर्सिटी पॉलिसी। उसके बाद आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। फिर आपसे पासवर्ड लगाने के लिए बोला जा रहा है, तो आप अपने तरफ से एक बढ़िया सा पासवर्ड यहां पर लगा दीजिए ओके। ये बोल रहा है कि 2 week, मैं क्या करता हूं 1 2 3 5 6 9 0, उसके बाद
QWER इस तरह से डाल लेता हूँ पासवर्ड, इसे भी ये विकी बोल रहा है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर हम एक अंडरस्कोर लगा देते हैं, ओके, तो हम यहाँ पर एक लेटर को बड़ा कर देते हैं, ठीक। अब इस पासवर्ड को हम लोग सेव भी कर लेते हैं, और यहां पर पेस्ट भी कर देते हैं। फिर हमने क्लिक करना है क्लेम अकाउंट पर, ओके। तो ये हमें देखिए ईमेल आईडी मिल चुकी है, इसे भी आपने यहां से कॉपी करके सेव कर लेना। अब फ्रेंड्स होता ही है, यहां पर 15 से 20 मिनट वेट करनी होती है, तो आप लोग भी वेट कीजिए, मैं भी वेट करता हूं। तो हम लोग 15 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद मिलते हैं। आप देख सकते हो इस समय टाइम हुआ है 5:08 और हम मिलेंगे लगभग 5:25 पर, ठीक है। तब तक वेट कर लेते हैं, ओके। तो आप देख सकते हो कि 5:35 हो चुके हैं, बल्कि ये 25-26 मिनट के करीब हो चुके हैं। तो अब हमने क्लिक करना है, तो आपने 15 से 20 मिनट वेट कर लीजिए, फिर आप क्लिक कीजिए साउंड गुड पर, ठीक है। इस बटन पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहां पर जो ये नेक्स्ट पेज लोड होगा फ्रेंड्स, इसे लोड होने में लगभग 1-1.5 मिनट लग जाता है कभी कभी, ठीक है। कई बार ये 30-40 सेकंड में लोड हो जाता है, तो आपने पेशेंस रखनी है और यहां पर वेट करना है, ओके। तो इस तरह से आपको इंटरफेस शो होगा। अब हम यहां पर जो हमें ये ईमेल आईडी मिली थी उसे कॉपी करेंगे और यहां पर डालेंगे, ओके। और उसके बाद आपने क्लिक कर देना नेक्स्ट पर। फिर हमने देना अपना पासवर्ड जो हमने असाइन किया था, मैं यहां से पासवर्ड कॉपी कर लेता हूं और पासवर्ड डाल देता हूं। फिर हम क्लिक करेंगे साइन इन पर। तो अगर आपने इसे सेव करना है तो कर लीजिए, नहीं करना तो आप नेवर पर क्लिक कर दीजिए। अब जो इन्होंने अपडेट किया, इससे पहले क्या होता था कि हम लोग यूज डिफरेंट अकाउंट पर क्लिक, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, मुझे बैक करना पड़ेगा। तो हम लोग यहां पर वेरिफिकेशन के लिए, ये एक नया अपडेट है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेन ये यूनिवर्सिटी है, वो आपको सिक्योर रखने के लिए इंफॉर्मेशन की नीड मांग रहे। यहां पर लिखा होता है कि आप 14 दिन के लिए वेट कर सकते हो, बट ये नहीं वेट करने देते। मैं अगर यहां पर क्लिक करता हूं तो एक बार ये पेज स्किप हो जाएगा और यहां पर मुझे शो होगा योर ऑर्गेनाइजेशन नीड, वही सेम मैसेज शो हो रहा है। अब अगर यहां पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूं तो फिर मुझे वही 14 डेज वाला ऑप्शन फिर से आ जाएगा। तो आपको यहां पर इसे वेरीफाई करना ही होगा, ओके। तो हम यहां पर, तो मैंने क्लिक कर दिया, देखिए फिर मेरे पास ये नेक्स्ट आ चुका है। मैं वहां पर इसे स्किप करने को बोल रहा हूं। और पहले हम लोग यहां पर डिफरेंट मेथड्स और भी अवेलेबल होते थे, उनकी हेल्प से कर लेते थे, बट अगर यहां पर आप देखोगे तो आपके पास फोन और ईमेल शो हो रहा है। ईमेल से भी नहीं हो पाता ये प्रॉपर, फोन हमारे पास है नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन ऑथेंटिकेटर ऐप ही बचती है। तो अगर आपके फोन में माइक्रोसॉफ्ट के ऑथेंटिकेटर ऐप है तो वहां से भी आप कर सकते हो, बट मैं आपको एक बढ़िया मेथड बताने जा रहा हूँ, शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ कि हम एक्सटेंशन की हेल्प से ही कर लेंगे इसे, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे आई वॉन्ट टू यूज डिफरेंट ऑथेंटिकेटर ऐप। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक ऑथेंटिकेटर ऐप इंस्टॉल करनी है, ओके। तो आप लोग यहाँ पर एक्सटेंशन एक इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए आप यहाँ टॉप पर क्लिक कीजिए, फिर आप एक्सटेंशंस पर क्लिक कीजिए, फिर हम यहाँ पर वेब स्टोर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जब ये हमारा पेज लोड हो जाएगा तो हमने यहाँ पर टाइप करना है AUTH। यहां से आपने ध्यान से स्टेप्स को फॉलो करना है, और ये जो फर्स्ट ऐप शो हो रही है इसे आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, ये वाली, ओके। तो अब हम एड टू ब्रेव पर क्लिक कर देंगे। तो आप क्रोम की हेल्प से भी कर सकते हो, फायरफॉक्स की हेल्प से भी कर सकते हो। मैं ज्यादातर ब्रेव यूज करता हूं जब ऐसे काम करने होते हैं, तो आप वीपीएन लगा लेना बस, ठीक। अब हमने इस बटन पर क्लिक कर लेना ऐड एक्सटेंशन पर, तो ये हमारे एक्सटेंशन ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो वेट करते हैं, इसमें लग जाते हैं 20-30 सेकंड ऐड होने में।
ओके तो ये हमारी ऐड हो चुकी है। देखिए अब हमने जो ये पिन वाला बटन शो हो रहा है इस पर क्लिक करके यहां से इसे पिन कर लेना है और ये आपकी इस तरह से यहाँ पर शो हो जाएगी। और उसके बाद फिर हम अपनी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट अकाउंट में जाएंगे और यहां पर आपने क्लिक करना है। ओके तो ये देखिए हमारी ऐप हो चुकी है। अब आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। फिर हमने यहां पर क्लिक करके जो ये आइकन है इस ऐप का, उसके बाद ये जो बटन है ये स्कैनर का बटन है, इस पर क्लिक करना है और जो ये आपको बार कोड दिया जा रहा है इसे आपने स्कैन कर लेना है। तो ये देखिए हमें मैसेज शो हो चुका है कि ये हमारा ईमेल एड्रेस आ गया, हैज बीन एडेड। ओके आपने ओके पर क्लिक कर देना, फिर आपने यहां नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। अब आपको एक कोड जाएगा और जब आप यहां पर क्लिक करोगे आप देखोगे हमें ये कोड मिल चुका है। तो ये रहा हमारा कोड 5 अलाउ कर लेते हैं कॉपी का, तो कॉपी हो चुका है, नहीं तो आप वहां से पढ़ के यहां पर टाइप कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। ओके तो ये अपडेट है यहां पर। तो आप देखिए हमारी ऐप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुकी है। अब आपने यहां डन पर क्लिक कर देना है। ओके ये कुछ हो गया लॉगिन, पहले एरर शो हुई थी बट अब लॉगिन हो चुका है। ओके तो मैंने यहाँ रिमाइंड मी लेटर पर क्लिक कर देता हूं और यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये देखिए हमारा अकाउंट बन चुका है, ये हमारा प्रोफाइल है और यहां से हमारी मेल चल रही है। तो आप देखिए ये मेरी आईडी शो हो रही है यूनिवर्सिटी की, ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल इमेज है, आप इसे चेंज भी कर सकते हो। अब हमने आप यहां पर वीडियो मत छोड़िए क्योंकि अभी कुछ सेटिंग्स रहती हैं, आपको मैं वो दिखा दूं, फिर नहीं तो आप बोलेंगे कि आपने ईमेल आईडी बनाना अच्छी तरह नहीं सिखाया। अब हम वेबसाइट ओपन करेंगे office.com। ओके तो यहां पर आपकी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक यहां पर आपने साइन इन पर क्लिक कर लेना है। ओके तो यहां पर हम लोग लॉगिन हो चुके हैं, मैं इसे क्लोज कर देता हूं। अब हम क्लिक करते हैं एप्स पर। एप्स के अंदर हम लोग क्लिक करेंगे आउटलुक पर, तो आप आउटलुक के अंदर लॉगिन हो जाओगे अपनी यूनिवर्सिटी की ईमेल आईडी के साथ। ओके तो ये देखिए ऊपर यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है। ओके इसके बाद यहां पर अगर मैं इस आइकन पर क्लिक करता हूं प्रोफाइल आइकन पर, थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है, ऐसे तो हैवी वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट की, साथ में वीपीएन की वजह से थोड़ा सा नेट स्लो हो जाता है। तो हाँ तो ये देखिए ये हमारी ईमेल आईडी शो हो रही है, पासवर्ड हमने नोटपैड में सेव करके रखा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने संभाल के रखनी है। तो मैं इसे यूनिवर्सिटी के ईमेल आईडी के नाम से इस फाइल को सेव कर लेता हूं। एट द रेट का ये इश्यू देगा, वहां पर हम लोग कुछ और डाल देंगे, ठीक है। और इसे मैं सेव कर लेता हूं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वैसे हो चुकी है, मुझे लग रहा था एरर देगा। अब हम इसे बंद कर देते हैं। तो ये थी फ्रेंड एक वीडियो जिसमें मैं अपडेटेड मेथड लेके आया हूं कि आप लोग किस तरह से ईडीओ मेल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको इस ईडीओ मेल को क्रिएट करने के दौरान कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम एरर फेस होती है तो कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि उसे रिजॉल्व कर पाऊं। और अगर वीडियो बढ़िया लगी है तो इसे लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और जो नए व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।